नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रोज नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शहद में लहसुन मिलाकर खाने के लाजवाब फायदों के बारे में। लहसुन मसालेदार खाने का स्वाद बढ़ाता है, वहीं इसके सेहतमंद फायदों का भी कोई जवाब नहीं है। लहसुन की ही तरह शहद भी गुणों का खजाना है। यह सौंदर्य समस्याओं को खत्म करने के साथ ही शरीर को डिटॉक्स करके हर तरह के इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। ऐसे में दोनों चीजों को मिलाकर खाना बेमिसाल फायदे देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन के नियमित इस्तेमाल से आपकी उम्र बढ़ती उम्र में भी युवापन का एहसास कर सकते हैं। लहसुन आंत के कीड़ों को निकाल देता है, घावों को शीघ्र भर देता है, लेकिन इन तमाम रोगों में कच्चा लहसुन ही विशेष फायदेमंद होता है, न कि व्यावसायिक रूप से लहसुन बनाई गई दवाओं के रूप में। अगर आप हर वक्त बीमार रहते हैं और थकान की वजह से आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, तो इसका साफ मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो इंसान को 100 तरह की बीमारियां घेर लेती है। पर क्या आप जानते हैं कि लहसुन और शहद को एक साल मिलाकर खाने से ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं। यह एक प्रकार का सुपर फूड है। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको इसको बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए 2-3 बड़ी लहसुन की कली को हल्का सा दबाकर कूट लीजिए, फिर उसमें शुद्ध कच्ची शहद मिलाइए। इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए जिससे लहसुन में पूरा शहद जमा समा जाए। फिर इसे सुबह खाली पेट 7 दिनों तक खाइए, फिर देखिए कमाल। हमेशा कच्चे और शुद्ध शहद का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के में मदद करता है, साथ ही इसे खाने से वजन भी कम होता है। ये आप एक साथ 1 महीने का बना सकते हैं और फिर इसको रोजाना खा सकते हैं, तो ये ज़्यादा गुण करेगा क्योंकि इस लहसुन में अधिक देर तक शहद में रहेगा। अगर आप इसमें 1 महीने तक इसको रखेंगे तो इसमें यह 1 महीने तक शहद रहेगा, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। और लहसुन को छोटे छोटे पीस करके ही शहद में डालें, ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं लहसुन और शहद को खाने का मुख्य लाभ। वो कौन से मुख्य लाभ है जो इन दोनों को मिलाकर खाने से अपने शरीर में आते हैं। लहसुन और शरीर के मेल से इस घोल की शक्ति बढ़ जाती है और फिर यह इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से शरीर मौसम की मार से बचा रहता है और कोई बीमारी नहीं होती है। लहसुन और शहद दिल की सुरक्षा करते हैं। लहसुन और शहद के को मिलाकर खाने से अगर आप गले की खराश से पीड़ित हैं तो आपकी गले की खराश दूर हो जाती है। लहसुन और शहद डायरिया से बचाता है, डायरिया की बीमारी को दूर रखता है। लहसुन और शहद सर्दी जुकाम से भी राहत दिलाता है। अगर आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो लहसुन और शहद को मिलाकर खाने से फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। लहसुन और शहद को मिलाकर खाने से डिटॉक्स होता है, यानी कि दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। लहसुन और शहद का एक मुख्य जो सबसे बड़ा मुख्य उपयोग है वो बालों के लिए भी इसे रामबाण माना जाता है। इससे आपके टूटे हुए बाल को की समस्या दूर हो सकती है और बाल घने करने में भी इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और लहसुन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग यौन शक्ति को बढ़ाने में भी है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की यौन शक्ति कमज़ोर होती है उस हिसाब से लहसुन और शहद को मिलाकर खाने से आपकी यौन शक्ति प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे लहसुन और शहद को मिलाकर खाने के महत्वपूर्ण लाभ। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।